और शाहरुख की शादी कैसी रही शाहरुख की शादी बढ़िया रही मजा आया फुल बढ़िया अच्छा सलामी हुई अच्छा पैसे मिले हमें भी <laughs> को को मुझे को भी मिले थे उसे भी मिले थे बहुत सारे मजा आया फुल उसकी शादी में अच्छी हुई बढ़िया और काशिफ की शादी का कब हुएगी उसकी दिक्कत है शादी में <laughs> उसकी नहीं <नियुपारी> हो पा रही बेचारी <laughs> जहाँ भी जाता है कहता है यार वहाँ पर मुझे लड़की पसंद आ गई तो वहां दो करवा देना तो मैं एक मेरा करवा देना बट लड़की मिल ही नहीं पाती इसे कराऊंगा उसकी शादी मेरे को बोलता हो बहुत बार भाई आप लड़की देख लो मेरे लिए मैंने बोला भी है उसको और उसकी जो मोम है उसकी अम्मी अम्मी ने भी उसको बोला मेरे को कि हो तो कोई बताना अच्छा मैंने बताई भी थी उसको कि लड़की बट अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया इसलिए मैं ध्यान नहीं दे पाया मैंने बट उसका मैं ही कराऊंगा देखना तो मैं ही कराऊंगा उसकी शादी अरे हम जनता से ही बोल देते ना अगर देखो भाई किसी को काशिफ के लिए रिश्ता लाना हो ना

कि तुमने जैसे ये स्टार्ट किया था क्या कहते हैं जिम ओपनिंग्स में जाना ये कब किया स्टार्ट तो वहाँ पर जैसे लोगों के मैसेज तो आते थे पहले भी ओपनिंग ओपनिंग के लिए मैं ध्यान नहीं देता था तो एक बार मैंने कराम के चलो जाकर देखते हैं तो वहाँ पर गया मैं फर्स्ट टाइम शायद मैं दिल्ली में गया था शायद फर्स्ट टाइम तो वहाँ

जिम का शौक जिम का शौक जो ना मेरे को क्या मुझे ऐसा लगता है सभी को जिम का शौक जो लगता है ना वो मोटिवेशन जो मिलती है जिम के देखने से मिलती है सामने वाले को अच्छा तो ऐसे ही मुझे कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिली थी कहीं से क्या मैं जब छोटा सा था सोलह सोलह साल का होंगे मैं तो आसपास में उस टाइम जिम भी बहुत रेयर बहुत कम हुआ करते थे जिम बहुत दूर नाम होता था वहां पर जिम है उस बंदे का बहुत बहुत दूर पर तो अचानक से मेरे घर के पास ही जिम ओपन हो गया है मेरे घर से दो तीन गली छोड़ के तो वहां पर लड़के आने लगे बॉडी बिल्डर आते थे अच्छे भी आते थे पर्सनलिटी देखते थे लोग हम बंदों को देखते थे, तगड़े हैं अच्छे लग रहे हैं खूबसूरत तो देख के ऐसी फिर मन में जाती है बंदे को करने को एक्सरसाइज कि मैं भी ऐसा बनू ऐसा करूं तो ऐसी मेरे को लगा देख के क्योंकि जिम पास में खुल गया तो वहाँ बहुत सारे लड़के आने लगे अच्छे अच्छे पर्सनैलिटी अच्छी होती थी लड़कों की देखने में तो फिर मेरा भी मन कर रहा है मैं भी बॉडी बनाता हूँ यार कुछ उस टाइम पर सलमान खान का बहुत वो था अच्छा रोला हाँ। सलमान भाई सलमान बॉडी को लेकर खास करके हाँ। जहाँ उसने कपड़े उतारे वहां पर हाँ। पूरे हर जगह हल्ला ऐसा हल्ला होता था कि वहाँ <coughs> हम हॉल में हल्ला हो रहा हमारे घर तक आवाज आ रही है वैसे हल्ला काटते थे उसके नाम से तो उसको देख के भी उस टाइम पर लोग बहुत सारे जिम जाते थे मैं भी कहीं ना कहीं उसे देख के भी गया था तो ऐसे ही मेरे को लगा चस्का देख के लोगों को तो फिर मैं जाने लगा धीरे धीरे तो बॉडी बनाने में से अप्रोक्स कितना खर्चा आ गया वो तुमने जो इतनी पैरी बॉडी बनाई है अरे बहुत खर्चा आता है बॉडी बनाने में क्योंकि मैंने सुना है कि बॉडी बनाना आज के टाइम पे सस्ता नहीं है बिल्कुल भी बिल्कुल भी सस्ता नहीं तो तुम अपने ऊपर मंथली कितना स्पेंड करते हो बॉडी अभी इस टाइम पर अभी मेरा पैंतीस पैंतीस से चालीस हज़ार रुपये पैंतीस से चालीस हज़ार आराम से अरे आराम से लग जाता है इतना बहुत महंगा गया मैं बहुत महंगा अरे इंडिया में बहुत बहुत दिक्कत है बॉडी बिल्डिंग करना बहुत महंगा है बाहर तो सुना है कि मैंने कि वहाँ पर सरकार पैसा देती है बॉडी बिल्डर को लगाती है बट यहाँ तो बहुत मामला ख़राब है बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग का तो तुमने बॉडी तो ज़्यादातर बॉडी बिल्डर देखेंगे आपने मोस्टली ज़्यादातर बहुत नीचे टपके से होते हैं नीचे घर से होते हैं ऐसे फैमिली से होते हैं बहुत ज़्यादा तो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है आज के टाइम पर बहुत महंगाई और बहुत खर्चा है तो हज़ार हज़ार रुपये किलो की चीज़ आती है वो खानी पड़ती हैं अच्छा एक एक हज़ार रुपये किलो की करे हैं हाँ मैंने कंपटीशन खेले मैंने अभी 2017 के बाद ही मैंने बंद करे कंपटीशन खेलने उससे पहले मैं बहुत खेलता था अच्छा मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं मैंने मिस्टर इंडिया भी जीत रखा है मिस्टर नॉर्थ इंडिया भी जीत रखा है मैंने अच्छा और मिस्टर दिल्ली भी जीत रखा है मैंने मिस्टर यूपी मिस्टर गाज़ियाबाद बार अच्छा और मैन ऑफ स्टील है तो ये मैंने सारे खेल रखे हैं बहुत सारे तो ये बंद क्यों किया खेलना फिर बस उसके बाद फिर शादी वादी होगी फिर थोड़ा सा ढील दे दी शादी के बाद बहुत मुश्किल है बच्चे बच्चे जाते ना फिर क्योंकि इसके लिए ना बंदा बिल्कुल अलग चाहिए बिल्कुल अलग कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं हो ऐसी होती है तैयारी कॉम्पिटिशन की अगर करनी है आपको तो उसके लिए ऐसा है कि बंदा बिल्कुल कोई नहीं हो पास में घर बिल्कुल भी नहीं हो सिर्फ जिम और जहाँ वो रह रहा है वहाँ पर बस जब वो घर में रह रहा है भले ही तो उसकी ज़िंदगी में दो चीज होती है फिर जिम और घर बस और कुछ नहीं दिया तीसरी चीज़ आएगी तो वो माइंड डिस्टर्ब होगा वो तैयारी तो कर नहीं पाएगा सही से तो वही चीज़ें होती हैं फैमिली में तो में पता है सारी चीज़ कभी कुछ लाना कभी कुछ करना कभी किसी की तबीयत खराब मेहमान आ रहे हैं तो सोल्व जन सोल, सोल टेंशन हो जाती है फिर तैयारी तो हो नहीं पाती मज़ा नहीं आता